वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सम मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑफ यूनिट आईसीटी। कुछ आपके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार किए हैं, सम ऑफ देम आर। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस आर देयर, कितनी तरह के इंटरफेस होते हैं। ऑप्शंस आर 3, बी ऑप्शन 1, सी 2, डी 4। कितनी तरह के इंटरफेस है बेटा आपके पास? यू हैव ओनली टू टाइप ऑफ इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस है आपके पास? देखिए, फर्स्ट आपके पास होता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, एंड सेकंड वन होता है आपके पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस आर देयर, देन राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस डज नॉट रिक्वायर ए माउस, किस तरह के इंटरफेस में माउस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑप्शंस आर CUI, GUI, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। CUI मीन्स कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें आप जो कुछ भी वर्क करते हो उसके लिए आप कमांड्स राइट करते हो एंड आपको माउस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। GUI मीन्स ग्राफिकल, जैसे विंडोज़ है, आपको कुछ भी करना है देन आप क्लिक करते हो माउस की हेल्प से और आपकी कमांड एक्सेप्ट हो जाती है। देन आप किस इंटरफेस में आपको माउस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आंसर है आपका बेटा CUI, राइट आंसर इज CUI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंटरफेस रिक्वायर ए माउस, किस इंटरफेस में माउस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शंस CUI, इसमें नहीं होती बेटा आपको इसमें, क्योंकि आपको कमांड्स राइट करनी है, ओनली कीबोर्ड्स की हेल्प से होता है। एंड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें आपकी माउस की रिक्वायरमेंट है, बोथ ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है बेटा? GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द अदर नेम फॉर CUI, अदर नेम क्या है CUI को, हम और क्या बोल सकते हैं। ये तो है आपका कमांड यूजर इंटरफेस, इसको हम बोल सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये आपके कोई इंटरफेस नहीं होता, इंटरफेस के नेम नहीं है। देन सेकंड नेम क्या है आपका? राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन एग्जांपल ऑफ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब है बेटा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का? विंडो 7 आपका कैसा है बेटा? GUI है। विंडो XP आपका GUI है। एंड MS-DOS आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपकी ओनली कमांड्स राइट की जाती थी और आपको फाइल ओपन करनी है, सेव करना है या फाइल डिलीट करनी है, तो आप उनके लिए कमांड्स राइट करते थे। देन जो आपका CUI बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज आपका क्या है? MS-DOS। देन राइट आंसर इज MS-DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है उसने, कौन सा है आपका। देन ऑप्शंस है आपके विंडो 7, MS-DOS, MS-Word, यूनिक्स। ऑप्शंस आर विंडो 7, MS-DOS, MS-Word एंड यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर है बेटा विंडोज 7। विंडोज 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI बेस्ड। MS-Word आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर है। MS-DOS आपका कमांड लाइन है एंड यूनिक्स ऑल्सो आपका GUI बेस्ड नहीं है। तो राइट आंसर है आपका विंडो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लिनक्स, पेंट, जावा एंड MS PowerPoint। MS Paint आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्क करते हो, जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, MS PowerPoint ऑल्सो आपका एक सॉफ्टवेयर है, लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम कौन कौन से हैं। लिनक्स अभी आपने पढ़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑल्सो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या है, जावा। उसने पूछा है कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, देन राइट आंसर इज जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रीली अवेलेबल, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल है, ऑप्शंस है लिनक्स, विंडोज 7, बॉस या एंड्रॉयड। तो आपका जो फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रॉपरली यूज फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन के लिए कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, यूनिक्स, ऑप्शंस आपके हैं बेटा यूनिक्स, विंडोज 7, लिनक्स या एंड्रॉयड। यूनिक्स, विंडोज या आपके लैपटॉप के लिए यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर्स के लिए यूज किए जाते हैं, बट जो आपका स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है दैट इज एंड्रॉयड, देन राइट आंसर इज एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट यूज्ड फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, ऑप्शंस आर यूनिक्स, iOS, सेम्बियन या फिर एंड्रॉयड। यूनिक्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लैपटॉप्स के लिए या कंप्यूटर्स के लिए यूज किया जाता है, ये मोबाइल्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, देन राइट आंसर इज आपका यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, ऑप्शंस आर यूनिक्स, विंडोज, बोस या एंड्रॉयड। जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नेम है BOSS, देन राइट आंसर इज बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी टाइप इज द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर डिवाइडेड, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम आगे कितनी तरह से डिवाइडेड होते हैं, ऑप्शंस आर 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन इज 4। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आंसर इज सी, राइट आंसर आपका सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि आपका वर्क जो जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना हो वो आपका टाइम से कंप्लीट होगा, ऑप्शंस आर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका जो राइट सिस्टम है बेटा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर है इसका, ये डिसाइड करता है कि आपका वर्क क्रिटिकल टास्क भी आपका कंप्लीटेड ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट शो द स्टेटस ऑफ एन एप्लीकेशन रनिंग इन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनमें से कौन सा बार शो करता है कि आपकी एप्लीकेशन जो रन हो रही है उसका स्टेटस, ठीक है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन रनिंग कि आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है एप्लीकेशन प्रोग्राम की, वो कौन से बार में शो होती है, ऑप्शंस आर स्टेटस बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार या टूल बार। देन जो स्टेटस बार होता है बेटा इट शो द रनिंग एप्लीकेशन कि कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है, ये आपका स्टेटस बार शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इन अ विंडो अलाउ यू टू क्लोज इट, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन ऑन ए विंडो अलाउज यू टू क्लोज इट, कौन सा बटन आपको अलाउ करता है कि आप विंडो को क्लोज कर दें, स्टार्ट बटन, ऑप्शंस आपके स्टार्ट बटन, मिनिमाइज बटन,
शो डेस्कटॉप बटन या क्लोज बटन? देखो नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कि आपको कौन सा बटन अलाउ करेगा कि आप विंडो को क्लोज कर दें, क्लोज बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स? कलेक्शन ऑफ फाइल्स को आप क्या बोलते हो? फोल्डर, डॉक्यूमेंट, होल्डर या नन ऑफ दीज? अ कलेक्शन ऑफ फाइल इज नोन एज फोल्डर, देन राइट आंसर इज फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विंडो फोल्डर स्टोर द डिलीटेड फाइल? किस फोल्डर में आपकी डिलीटेड फाइल स्टोर होती हैं? रिसाइकिल बिन में या फिर असेसरीज में, सिस्टम टूल्स में या नन ऑफ दीज? जो आपकी डिलीटेड फाइल्स हैं वो आपकी कहाँ स्टोर होती हैं बेटा? इन रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू कट अ फाइल? शॉर्टकट की क्या होगी आपकी कट करने के लिए फाइल्स को? कंट्रोल सी, कंट्रोल के, कंट्रोल वी या कंट्रोल एक्स? देन देयर इज शॉर्टकट टू कट अ फाइल इज कंट्रोल एक्स, राइट आंसर इज कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अलाउ टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली? अगर कोई फाइल आपको परमानेंटली डिलीट करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? शिफ्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस एक्स या फिर कंट्रोल प्लस डेल या फिर कंट्रोल प्लस के? इनमें से कौन सी की यूज करोगे आप एक फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो? इफ वी वॉन्ट टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली देन we use shift plus del from the keyboard, then right answer is shift plus del. Next question is which of the following operating system is available in the mobile devices? Mobile devices mein kaun sa operating system available hota hai? Mac OS, Windows XP, Android ya fir Linux? Then right answer is mobile ke liye jo operating system hai that is Android. नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलाउ अ नंबर ऑफ यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम? सेम टाइम में अगर नंबर ऑफ यूजर यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्या बोलते हो? मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग या नन ऑफ दीज? नंबर ऑफ यूजर मीन्स अलाउ अ नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूजर सेम टाइम में यूज कर रहे हैं देन यू हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, देन राइट आंसर इज मल्टी यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ ऑपरेटिंग सिस्टम अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही आपसे वो इनपुट लेता है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टी यूजर या फिर रियल टाइम या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपका एक स्पेसिफिक टाइम में आपका इनपुट आपके लिए लेता है दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बार्स अलाउ यू टू नेविगेट अप एंड डाउन अ सीरीज ऑफ विंडोज बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फोल्डर? इनमें से कौन सा बार आपको अलाउ करता है कि आप मूव कर सकते हो सीरीज ऑफ विंडोज पे डबल क्लिक करके उस फोल्डर पे? कौन सा बार होते हैं वो? स्टेटस बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार या एड्रेस बार? देन राइट आंसर इज एड्रेस बार। आप नेविगेट कर सकते हो अप एंड डाउन अ सीरीज ऑफ विंडो बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बटन मिनिमाइज ऑल द रनिंग प्रोग्राम विंडो एंड रिवील्स द डेस्कटॉप? कौन सा बटन क्लिक करके आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हो बताइए बेटा? विच बटन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल द रनिंग प्रोग्राम विंडोज? राइट आंसर इज मिनिमाइज बटन। देखिए नेम से ही पता चल रहा है आपका कौन सा बटन आप यूज करोगे मिनिमाइज करने के लिए विंडोज को, देन
राइट आंसर इज मिनिमाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकिल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क, अगर मल्टीपल रिसाइकिल बिन है तो यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकिल बिन, आप डिफरेंट साइज सेट कर सकते हो, या यू कैन चूज विच रिसाइकिल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिलीटेड फाइल, कि आपका कौन सा रिसाइकिल बिन में आपकी फाइल्स स्टोर होंगी डिलीट होकर, या फिर यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन, अगर आप उनमें से कोई एक डिफॉल्ट बना सकते हो या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ नहीं कर सकते हो. अगर आपके पास इफ़ यू हैव मल्टीपल रिसाइकिल बिन देन यू कैन सेट द डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकिल बिन, देन राइट आंसर इज आप उनका डिफरेंट साइज, यू कैन सेट द डिफरेंट साइज, हर रिसाइकिल बिन का साइज डिफरेंट सेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है बेटा इनमें से. फर्स्ट वन इज यू कैन फाइंड डिलीट फाइल्स इन द रिसाइकिल बिन, आप डिलीट कर सकते हो अपनी डिलीटेड फाइल रिसाइकिल बिन में, ये तो आपकी कंडीशन ट्रू है. नेक्स्ट यू कैन रिस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकिल बिन इफ़ यू एवर नीडेड, अपनी फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हो जब आपको ज़रूरत है, ये स्टेटमेंट भी आपकी बेटा राइट है कि आप अपनी फाइल को रिस्टोर कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल इन रिसाइकिल बिन, आप अपनी डिस्क का साइज इंक्रीज कर दोगे अगर आप रिसाइकिल बिन में फाइल्स भेजते हो, देन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, जितना साइज है डिस्क का वो उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज थोड़ी ना होगा. नेक्स्ट वन यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकिल बिन टू क्लीन द इट मीन्स, ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है. देन फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी हुई बेटा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्प्ले सिस्टम टाइम एंड द डेट इज रॉन्ग यू कैन रिसेट इट बाय यूजिंग, आपके पास अगर सिस्टम टाइम रॉन्ग है जो डिस्प्ले कर रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करोगे बेटा, बाय यूजिंग राइट, उसको राइट करके, या फिर कैलेंडर में जाकर, या राइट फाइल्स में जाकर, या कंट्रोल पैनल में जाकर. इफ़ यू वांट टू चेंज डेट एंड टाइम देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल. नेक्स्ट ऑप्शन यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम, अपना सिस्टम सेव करना चाहिए किस से, वायरस से, वॉर्म से, टाइम बॉम्ब से, या ऑल ऑफ दिस, देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, इन सब से अपना सिस्टम को सेव करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर, क्या चीज़ नहीं है, जरूरी नहीं है अपने सिस्टम को शट डाउन करने के लिए. सेव ऑल ओपन फाइल्स, सारी फाइल्स जितनी भी ओपन हैं उनको सेव करना असेंशियल नहीं है. क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशन, या स्विच ऑफ मॉनिटर, जब आप शट डाउन करते हो तो मॉनिटर ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाता है, इट मीन्स जो नेसेसरी नहीं है दैट इज स्विच ऑफ मॉनिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडो डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन टू शट डाउन विच इज सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे, शट डाउन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा सुटेबल होता है आपका जब आप लास्ट में ऑफ कर रहे हो. फर्स्ट वन इज शट डाउन, या फिर रीस्टार्ट, या फिर स्लीप, या फिर हाइबरनेट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है अगर आप एंड ऑफ द डे में कंप्यूटर को ऑफ करते हो, देन राइट आंसर इज शट डाउन. नेक्स्ट वन इज ए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड डैश, ऑटोमेटिकली रन करता है एक बेसिक प्रोग्राम को एज सुन एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर, जैसे आप पावर को ऑन करते हो तो एक कुछ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन करता है, उन प्रोग्राम्स को आप क्या बोलते हो, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बोस, बेसिक ऑन सिस्टम स्टार्टअप, या फिर पॉस, पावर ऑन सिस्टम, उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो बेसिक प्रोग्राम रन करता है अपने आप,
तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।